आजादी की जय। ए मैडम आओ आइए आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां टिकट लेकर पटना से सड़क मार्ग द्वारा भागलपुर जाने के क्रम में महागठबंधन लोकसभा प्रत्याशी अजीत शर्मा जी का लोकसभा क्षेत्र के हर चौक चौराहे पर भरपूर स्वागत किया गया। इस मौके पर अजीत शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप आइए आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट अजीत शर्मा जी हैं और यहाँ पे आए हैं भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं भागलपुर का जनता जो है वो किस तरीके से प्यार दे रहा है उसके बारे में सर, कैसा समर्थन मिल रहा है भागलपुर की जनता? आप तो खुद उत्साह देख रहे हैं जनता में क्या है। विगत 5 वर्षों जो सांसद रहे उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, जो जनता कहती है। हम तो भागलपुर में 3 बार से विधायक हैं और मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, जनता से वो भी देख रही है। हमको जो लग रहा है, जो हम आज सिम्बॉल लेकर पटना से आ रहे हैं, जो उत्साह देख रहे हैं हम लोगों का, कोई मैंने खबर नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ, सबको पता है। उनकी आवाज लोकसभा में बनेंगे और इनका काम करेंगे। जनता पीछे से कह रही है कि 2 लाख से जीत रहे हैं, तो जनता ही जिताती है। जनता अगर बोल रही है तो निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट भी हैं और मोदी का लहर लोग कहते हैं कि चल रहा है, उसमें कैसे खुद को वो करिएगा, कितना ज्यादा भारी टक्कर रहेगा? सर आपको किसने कहा, सिर्फ जनता से पूछिए कि क्या मोदी का लहर है कि अजीत शर्मा का। देखिए जनता का उत्साह जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है और आए थे यहाँ पे भगवती का जो है आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और जिस तरीके से जनता का समर्थन देखने को मिला है वो सही में लग रहा है कि अद्भुत है। काफी बड़ा जो है वो रैली था और ये इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है, विधायक भी रहे हैं भागलपुर से इतनी बार। ऐसे ही हम लोग किसी और नए वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।